हेलो गाइस, हाउ आर यू। माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ BHUMSC फिजिक्स का सोल्यूशन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने व्हाट्सअप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो BHUMSC फिजिक्स 2019 का सोल्यूशन आएगी। जो भी स्टूडेंट जियो फिजिक्स सोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कीप इन माइंड फ्रिक्वेंसी जो है वो BHUMSC फिजिक्स सोल्यूशन की ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं MSC फिजिक्स के हो जाते हैं, लेकिन आपको जियो फिजिक्स के भी सोल्यूशन अपकमिंग वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये BHUMSC फिजिक्स का सोल्यूशन 2019 का पार्ट वन है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम 1 टू प्रॉब्लम 30। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं वो पुरानी वीडियो जाकर देख लें, अगर उन्हें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कंसीडर ए लीनियर कलेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इन स्पिन हाफ पार्टिकल राइट ईच एट फिक्स्ड लोकेशन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। देखिए, एंट्रोपी सिस्टम की हम लोग कैसे निकालते हैं, एस की जो वैल्यू होती है के एल एन ओमेगा के इक्वल होती है, राइट। ओमेगा के नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। ठीक है, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2s प्लस 1 टू पावर नंबर, कितने पार्टिकल है, एन इंडिपेंडेंट पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ एन रख दीजिए, राइट, पावर टू पावर एन। स्पिन की वैल्यू कितनी दी हुई है, हाफ दी हुई है, तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एस की हाफ रखेंगे तो ये 2 टू पावर एन हो जाएगी, राइट। अब इक्वेशन 1 में इस ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू के एल एन 2 टू पावर एन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन के एल एन 2, राइट। के मतलब के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एन के बी एल एन 2, इसको टिक कर लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द पाथ ऑफ द प्रोटेक्ट पार्टिकल सिचुएटेड ऑन द रिम ऑफ ए व्हील मूविंग अलॉन्ग ए सरफेस, व्हील इज रोटेटिंग एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ नियर द व्हील। चलिए ठीक, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सपोज कर लीजिए ये एक रिम है। ओके, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, राइट, ये कैसे रिम कैसे रोटेट करेगी, रिम ऐसे आगे जाएगी। ओके, तो ट्रेजेक्ट्री कैसा बनता जाएगा, ध्यान से देखिए, रिम ऐसे जाएगी आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, राइट। तो यहाँ पे देखिए लीनियर नहीं है, इलेप्टिकल नहीं है, सर्कुलर नहीं है, तो कौन सा, ये साइक्लोराइडल पार्ट है, राइट। तो ऑप्शन डी जो होगा साइक्लोराइडल, वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं, ऑल दो मैंने भी किया था, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला दे रहा, गिफ्ट फंक्शन चेंजेज डिसकंटिन्यूसली एट फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर। देखिए, गिस फंक्शन जो होता है, ये हमेशा याद रख के रहिएगा, वो डिसकंटिन्यूसली चेंज नहीं होता है, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो चेंज होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रख के रहिए कि ये जो ऑप्शन ए है आपको क्या है, वो नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए आपका ही हो जाएगा राइट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए टर्म ऑफ द टाइप डेल टी बाई डेल क्यू के, वेयर टी एंड क्यू के आर द काइनेटिक एनर्जी एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली इफ अकरिंग इन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड। ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि जो भी जेसी उपाध्याय पढ़े होंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े होंगे, जब आप लैग्रेंजियन निकालते हैं तो उसका जब लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, जो कि जिसमें एक टर्म आता है, याद रख के रहिएगा आप, डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी टी माइनस बी अपॉन डेल क्यू के इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जी जो बी होता है वो क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो क्यू के का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म देगा ये डेल टी बाई डेल क्यू, यहाँ पे देख लीजिए वो किसका देगा, पोटेंशियल का देगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मेजर फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग वेदर ए मीडियम इज फ्री स्पेस, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, लॉस ऑफ डाइलेक्ट्रिक आर ए गुड कंडक्टर, ठीक है। जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए, राइट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, लॉस टेंजेंट एंड कंस्टिट्यूटिव पैरामीटर सिग्मा एप्सिलॉन एंड म्यू, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लॉस टेंजेंट। देखिए, लॉस टेंजेंट मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, याद रख रहिएगा, लॉस टेंजेंट में टेन थीटा की वैल्यू होती है आपकी सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन, राइट। अब अगर टेन थीटा की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, ये कहलाता है लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, राइट, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, ये याद रखे रहिएगा, ये काफ़ी सही पूछा है। टेन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो जाए, जिसको बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है, ये याद रखे रहिएगा। तो जो भी दिया जाएगा गुड डाइलेक्ट्रिक या गुड कंडक्टर, वो किसके दिया जाएगा, ड्यू टू लॉस टेंजेंट की वजह से दिया जाएगा, ठीक है। इसको आप
टिक करें, ऑप्शन सी जो आपको जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी। देखिए अगर हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ देखें कि कैसा बनता है, तो अगर हम प्लॉट करें तो आप देखिएगा कुछ इस तरीके का बनता है, ये देखिए ठीक है। ये क्या होती है आपकी सेंट्रल मैक्सिमा होती है, सेंट्रल मैक्सिमा ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा राइट। तो इसमें क्या पूछा है हमें कि सेंट्रल मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम का जो विड्थ होगा वो कब होगा ठीक है, विड्थ जो होगा इसका जो ऑप्शन बी है लार्जर फॉर नैरो स्लिट, ये क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक करें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट वेक्टर थीटा एंड फाई, वेयर थीटा एंड फाई आर द पोलर एंड द एजीमुथल एंगल्स रिस्पेक्टिवली इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अंडर द ऑपरेशन ऑफ इनवर्जन दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू द ओरिजिन है। देखिए थीटा और पाई दिया, तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को ट्रीट कीजिए। लाइक चलिए मैं बनाता हूँ, ये देख लीजिए, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका जेड एक्सिस राइट। ओके अब यहाँ पे क्या है कि थीटा जो है सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन में ओके, और अंडर इन्वर्जन क्या हो जाएगा याद रख लीजिएगा, अंडर इन्वर्जन ठीक है। देखिए कैसे ये चेंज होगा अंडर इन्वर्जन में, अगर आप देखेंगे तो फिर से हम बना देते हैं, ये हो जाएगा आपका जेड, ये हो जाएगा आपका वाई और ये हो जाएगा आपका एक्स राइट। तो अगर इन्वर्जन ऑपरेटर हम देखें तो जो आपका थीटा है याद रख लीजिएगा, जो थीटा है आपका सपोज कर लीजिए वो क्या हो जाएगा याद रख लीजिएगा माइनस जे डायरेक्शन में चला जाएगा ठीक है, और ऐसे हो जाएगा मतलब थीटा इस डायरेक्शन से चेंज होके इस डायरेक्शन में आ जा रहा है, डैट मीन्स कि थीटा की जो पैरिटी है वो क्या है ऑड पैरिटी राइट, थीटा की पैरिटी है आपका ऑड। इसी तरह अगर हम फाई पे देखें, ये देखिए फाई बना लीजिए आप, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा आपका वाई, ये हो जाएगा आपका एक्स राइट। तो फाई पे ले लीजिए आप ठीक है, फाई सपोज के लिए ऐसे रोटेट कर रहा है, अब इन्वर्जन अंडर इन्वर्जन हम देखें ये क्या हो जाएगा याद रखे रहिएगा, ये हो जाएगा आपका जेड, ये एक्स सॉरी ये वाई और ये एक्स, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में चला जाएगा ठीक है, और इस तरीके से रोटेट करने लगेगा। ओके तो ये भी क्या हो जाएगा ऑड पैरिटी देगा, ये भी क्या देगा ऑड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं ऑड पैरिटी दे रहे हैं, तो जो ऑप्शन बी आपका है बोथ ऑड पैरिटी वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप टिक करें और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ एन कैपिलरी ट्यूब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय कलेक्टिंग 100 ml ऑफ लिक्विड इन 100 सेकेंड इन ए मेजरिंग फ्लास्क, इफ द लिस्ट काउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेजरिंग फ्लास्क बी 1 ml एंड द लिस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच यूज फॉर मेजरिंग द टाइम बी 0.01 सेकेंड, देन द अनसर्टेनिटी इन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड विल बी। देखिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी पूछा है, तो पहले हम लिखते हैं कि वॉल्यूम फ्लो ऑफ रेट क्या हो जाएगा आपका ठीक है, फ्लो रेट निकालिए, फ्लो रेट वॉल्यूम फ्लो रेट ठीक है, इसको कैसे देंगे आप क्यू इक्वल टू वी बाई टी ठीक है। तो अब ये क्या देगा डेल्टा क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा टी बाई टी। ओके अब जो भी है आप लिख लीजिए, ये कितना दिया है 100 ml दिया है राइट, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 1/100 प्लस ठीक है, और यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेकेंड है ठीक है, तो 0.01/100 ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 एलसीएम हो जाएगा, ये कितना आएगा 0.00101 ठीक है, डेल्टा क्यू बाई क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी राइट। अब देखिए अब क्या होगा अगर हमें अब यहाँ पे हमें बताना है, इसको लिख सकते हैं आप 1.01 × 10^-2, इसको आप लिख सकते हैं 1.01 × 10^-2 ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विल बी द आपका राइट ऑप्शन। ओके यहाँ पे इसको आप ध्यान दे लीजिए, ऑप्शन बी विल बी द आपका राइट ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 100 ml है ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड H इज अप्लाइड टू अ मैग्नेटिक मटेरियल द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होता है I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है ठीक है, तो I की वैल्यू H बाई टी आती है ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका H वो आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है, माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, माइक्रोस्कोपिक कोऑर्डिनेट, माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट डेट इन्वॉल्व टाइम आल्सो, माइक्रोस्कोपिक कोऑर्डिनेट डेट इन्वॉल्व टाइम आल्सो। तो इसका जो ऑप्शन ए है अकॉर्डिंग टू मी माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट विल बी द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए जो है आपका हो जाएगा, इसको टिक करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन AU, राइट, AU फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जुपिटर टेक्स अराउंड अबाउट 11.9 अर्थ ईयर टू ऑर्बिट अराउंड द सन, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड जुपिटर इन AU इज अबाउट 2। देखिए ये केपलर थर्ड लॉ से लग जाएगा, आपको पता है केपलर थर्ड लॉ कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AQ, राइट। यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक बार अर्थ का ले लेंगे टाइम और एक बार ले लेंगे जुपिटर का टाइम, ये क्या हो जाएगा आपका टी अर्थ अपॉन टी जुपिटर, ओके, होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन AU अपॉन A या R, जो भी लेना ले लीजिए, का क्यू, ठीक है। अर्थ कितना लेगा, वन ईयर, ये किसका कितना दिया है 11.9 ईयर, ओके, स्क्वायर इज इक्वल टू वन AU by AQ, this implies that A is equal to 11.9 to the power 3 by 2, that will be around approximately 5.2, तो option D जो हो जाएगा आपका 5.2, वो आपका क्या हो जाएगा, right option हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए, option B will be the right option, okay। Now next, number of bond states for a system Bx is equal to minus B naught delta x minus A if B naught is greater than 0 is, देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका डिटेल सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, ओके, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका डिटेल सोल्यूशन मैं देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए गिवन पोटेंशियल जो है आपका Vx जो दिया हुआ है, ठीक है, वो है माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स माइनस ए, ठीक है, इसका मतलब है कि एक और इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल इसके साउथ होगा, एक्सपेक्ट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट जीरो वैल्यू दे देगा उस पॉइंट पे, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे दो कंडीशन आएंगे, पहला देखिए इफ A is greater than, sorry, is less than h cut square upon 2m b naught, और दूसरा if A is greater than h cut square upon 2m b naught, ओके। अगर पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो आपको कोई भी बाउंड स्टेट नहीं मिलेंगे, नो बाउंड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है b naught greater than 0 दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि A जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो इस केस में आपको मिलेगा वन बाउंड स्टेट, ठीक है, वन बाउंड स्टेट, तो ऑप्शन डी जो होना चाहिए आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए, ओके। चलिए ऑप्शन डी को क्लिक टिक करिए, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, अबाउट स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट विच वन इज नॉट ट्रू, यहाँ पे देखिए फिर से पूछा है विच वन इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। इट इज ऑब्जर्व विद एटम हुज ग्राउंड स्टेट इज 2s ऑफ, इट इज ऑब्जर्व विद एटम हुज ग्राउंड स्टेट इज 1s ऑफ, इट इज पॉसिबल विद बोथ एटम्स एंड आयंस, एंड लास्ट गिव्स एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। देखिए ए बी और डी सब के सब राइट है, जो सी है इट इज पॉसिबल विद बोथ एटम्स एंड आयंस, वो क्या आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट रॉन्ग, मतलब राइट ऑप्शन इस केस में विच इज नॉट ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमिनेंट मोड ऑफ रेक्टेंगुलर वेव गाइड। देखिए रेक्टेंगुलर वेव गाइड में जो डोमिनेंट मोड होता है, ठीक है, वो लोवेस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को देता है, जो देती है वैल्यू TE10, तो TE10 ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन 1/r इन द साई NLM की वैल्यू दी है 100 r थीटा फाई, स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ए नॉट के आपका बोर रेडियस है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ए नॉट बोर रेडियस है। तो देखिए कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे एक्सपेक्टन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/r पूछा है, इसकी वैल्यू तो 1/a0 आती है, जो कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, लेकिन कुछ और भी पूछ सकता है 2020 में, मान लीजिए आर स्क्वायर पूछते हैं, इसकी वैल्यू याद रख लीजिए 3a0 स्क्वायर होती है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ आर पूछ ले, इसकी वैल्यू याद रख लीजिए 3/2a0 होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे, जो कि पूछा जाता है, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियो वेव इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 3 MHz to 30 MHz प्रोपगेट थ्रू विच मोड ऑफ प्रोपगेशन। देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज दी हुई है, ये सरफेस मोड जो होता है वो लोअर फ्रिक्वेंसी के लिए होता है, लोअर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, लेस देन 1 MHz, ठीक है। ये जो फ्रिक्वेंसी रेंज दिया हुआ है 3 MHz to 30 MHz, वो है स्काई वेव या आयनोस्फेरिक मोड, तो ऑप्शन बी जो है आपके यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसको टिक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर दिए हैं, तो हमेशा याद रखे रहिए, जैसे एनर्जी या
मोमेंटम हुआ, इस तरह के जो ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हर्मिशियन होते हैं। लाइक अगर हम एनर्जी की बात करें तो ऑपरेटर आता है माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इस कॉन्स्टेंट को हटा दें तो ये क्या बचेगा, माइनस डी टू बाई डी एक्स टू। तो ये जो होगा ऑपरेटर वो क्या होगा आपका, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। तो इस तरह की चीज़ें याद रखे रहिए, आप पूछा जाती है जनरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इन ए प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग रिक्वायर्ड टू जस्ट रिजॉल्व द सोडियम डबल एट 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए वेवलेंथ दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर देने का मतलब है कि स्मॉल एन की जो वैल्यू दी हुई है वो 1 दी हुई है, राइट। तो हमें फार्मूला पता है, फार्मूला आप डायरेक्ट लिखिए। फार्मूला जो होता है इसका वो होता है, याद रखिएगा, लैम्डा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एन। एन क्या है, नंबर ऑफ जो भी फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर जो भी दे दिए वो है एन। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रूलिंग है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस निकालना है, मतलब कैपिटल एन की वैल्यू निकालनी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा बाई डी लैम्डा होगी। तो याद रखे रहिए, लैम्डा कितना है आपका, 5 9 5 8 9 6 बाई डी लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, 5 8 9 6 माइनस 5 8 9 0 ये हो जाएगा आपका 6। इसकी वैल्यू जो आएगी अप्रॉक्स आप करके देख लीजिएगा 9 8 2 के अराउंड आएगी। तो जो आपका ऑप्शन बी है आपको वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ ऑफ ए 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ठीक है। तो जो एनर्जी दी हुई है आपको कितनी दी हुई है, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, राइट। अब मान लीजिए एनर्जी इज इक्वल टू 10 KeV, ओके। ई की वैल्यू आप लिख सकते हैं, अगर हम बात करें इसका, देखिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर आप चाहिए तो फार्मूले पर रख के आप इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ पे आपको सिंपली डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ पूछिए, तो जो डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 12.24 अपॉन अंडर रूट डी एंगस्ट्रॉम, राइट। तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, जैसे देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 12.24 अपॉन अंडर रूट डी एंगस्ट्रॉम, ओके। तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी दी हुई है आपकी उस पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। एनर्जी क्या होती है आपकी, ई इंटू वी इजकल टू 10 KeV, राइट। तो यहाँ पे देखिए ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 K का मतलब है कि 10^4 वोल्ट दिया हुआ है, ओके। तो वी की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 10^4 रख देंगे, ये कितना आ जाएगा, लैम्डा इजकल टू 12.24 अपॉन 10^4। बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 100 आएगा, राइट। इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाएगी 0.1224 एंगस्ट्रॉम, जो कि ऑप्शन सी आपको मिल रहा है 0.123 एंगस्ट्रॉम, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको टिक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द इन्वर्जन कर्व फॉर ए गैस इन द रीजन ऑफ कूलिंग, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे जूल केल्विन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, जूल केल्विन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, नन ऑफ द थ्री, जूल केल्विन कोएफिशिएंट इज जीरो। देखिए जब भी इन्वर्जन कर्व लेते हैं हम गैस का, तो जो कूलिंग का रीजन होता है उसमें क्या होता है, जूल केल्विन कोएफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इनवर्ड, ये भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, इन द, अगर ये आउटर रहता, आउटर पूछ देता, तो यहाँ पे क्या होता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा है द स्पेसिंग बिटवीन टू एडजेसेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड्स इन ए प्लेन लेजर रेजोनेटर हैविंग सेपरेशन बिटवीन टू मिरर्स डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है, हमेशा याद रखते रहिए, डेल्टा न्यू इक्वल टू सी बाई टू एंड डी, ओके। यहाँ पे सी क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, ये हमेशा याद रखते रहिएगा, सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमेशा याद रखते रहिएगा। तो इसकी अगर हम वैल्यू को पुट कर दें, ये देखिए क्या आ जाएगा, 3 × 10^8 अपॉन 2 की वैल्यू दी हुई है, राइट, एन की वैल्यू 1 रख दीजिए, एयर के लिए 1 होगी, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर दी हुई है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो जो आपका ऑप्शन डी है 1500 MHz वो आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी द आपका राइट ऑप्शन होगा, ओके। इसको टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड L0 इज L0³ एज ऑब्जर्व बाई एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट रिलेटिव टू इट, द वॉल्यूम एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए रेफरेंस फ्रेम मूविंग विद वेलोसिटी 0.8c इन अ डायरेक्ट पैरेलल टू एन एज ऑफ द क्यूब। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, रिलेटिविटी का बहुत आसान क्वेश्चन भी है। देखिए सिंपली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एल इजकल टू एल नॉट अंडर रूट 1 - b² / c² सिंपली है। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 0.8c दी हुई है, तो लगा दीजिए एल इजकल टू एल नॉट अंडर रूट 1 - 0.8c / c² होल स्क्वायर, राइट।
ये क्या हो जाएगा आपका, एल इजकल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस 0.64। ये कितना जाएगा, एल इजकल टू 0.6, ये हो जाएगा आपका एल नॉट 0.36, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.6 एल नॉट। जिसको इसका मालूम हो जाएगा वो क्या होगा, 0.6 एल नॉट क्यूब। जो ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको टिक कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, इन ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर थीटा नॉट बी द थ्रो इन द एब्सेंस ऑफ ए डैम्पिंग एंड थीटा वन बी द फर्स्ट थ्रो आफ्टर टी बाई 4 सेकंड। फर्स्ट थ्रो कितने सेकंड के बाद है, टी बाई 4 सेकंड के बाद है, तो इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। वेयर टी द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन थीटा नॉट थीटा वन एंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लैम्ब्डा ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको नहीं आता है तो न लगाएं, कभी भी ऑप्शन को बिना देखें, ओके। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दें। देखिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जो डैम्पिंग को अगर हम लो रखें तब उस समय थीटा की वैल्यू जो होती है एट लो डैम्पिंग, लो डैम्पिंग केस में क्या होता है, एट लो डैम्पिंग देखिए थीटा की वैल्यू आती है थीटा इक्वल टू थीटा नॉट ई टू पावर माइनस बी टी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। थीटा इक्वल टू थीटा नॉट ई टू पावर एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। देखिए यहाँ पे बी क्या है, बी आपका याद रखिए बी डैम्पिंग कोफिशियंट है, बी डैम्पिंग कोफिशियंट, राइट। ओमेगा की जो वैल्यू आती है यहाँ पे याद रखिए, ओमेगा की वैल्यू आती है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ओमेगा नॉट क्या होता है, ओमेगा नॉट आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और अल्फा जो है यहाँ पे, ये जो अल्फा है इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, याद रखिए अल्फा यहाँ पे क्या है, फेज है, ठीक है। अगर इफ थीटा इजकल टू जीरो टी इजकल टू जीरो है, टी इजकल टू जीरो पे क्या है, थीटा जीरो, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा विल बी जीरो। अगर अल्फा जीरो है तब क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा थीटा इजकल टू थीटा नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी साइन ओमेगा टी। अब देखना है कि थ्रो आफ्टर टी बाई 4 सेकेंड, ठीक है, जब टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी बाई 4 आ गई, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू देख लेते हैं, ये आ जाएगी साइन ओमेगा वैल्यू 2 पाई बाई टी या कैपिटल टी की वैल्यू है टी बाई 4, तो ये टी से 2 कैंसिल आउट, ये पाई बाई 2 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या दे देगी, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी 1। ये बचेगा कितना, ये वाला टर्म कितना बचेगा, थीटा इजकल टू थीटा नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी बाई 4, क्योंकि आप स्मॉल टी की वैल्यू आप कैपिटल टी बाई 4 रखेंगे, राइट। अब देखिए सिंस e टू द पावर बी टी बाई 4 इज इक्वल टू e पावर लैम्डा बाई 2, देखिए लैम्डा इक्वल टू होता है आपका बी टी बाई 2, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आपका बी टी बाई 2 होता है, और ये लैम्डा आपका, ये जो लैम्डा है आपका वो क्या है, लॉग डिक्रीमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इसको बोला जाता है, ओके। जब इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये क्या बचेगा, याद रखिए ये बचेगा आपका थीटा नॉट इजिकल टू, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक हुआ है, थीटा वन डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअली थीटा वन डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे हर जगह आप थीटा वन लिखते जाइए, थीटा वन लिख देंगे आप, क्योंकि थीटा नॉट डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो देखिए थीटा वन की जो वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पे, थीटा वन की वैल्यू जो वैल्यू आ रही है थीटा नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी थीटा नॉट इक्वल टू थीटा वन ई टू पावर प्लस लैम्डा बाई 2, इसको इधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा थीटा नॉट इक्वल टू थीटा वन ई टू पावर प्लस लैम्डा बाई 2, और एक्सपोनेंशियल एक्स का जो एक्सपेंशन करेंगे आप, तो आता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो हायर ऑर्डर टर्म को हम नेगलेक्ट करते हैं, केवल दो टर्म लेते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी आपकी थीटा नॉट इक्वल टू थीटा वन वन प्लस लैम्डा बाई 2। तो जो आप पे आप देख रहे हैं ऑप्शन डी है आपका, वो क्या होना चाहिए, राइट ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन डी को आप टिक कर लें, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपली डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करा दीजिए, डेल पी निकाल लीजिए, डाइवर्जेंस निकाल लीजिए, क्या दे देगा, 2xyz प्लस xy, तो यहाँ पे जे है सॉरी, तो ये आ जाएगा 2xyz प्लस x आ जाएगा, तो जो 24 है आपका, उसका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इज प्रोड्यूस इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज आर इक्वल एंड देयर इज अ फेज डिफरेंस, देखिए इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो इस केस में क्या होती है आपकी, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जनरेट होती है, ओके, तो ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस, देखिए क्वार्ट्ज, इसको सिलिका भी बोलते हैं,
इसका SiO2 फार्मूला होता है। तो ये जो क्या होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसको टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विथ व्हाट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शुड मूव सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, याद रखिएगा एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, रेस्ट मास एनर्जी को होना चाहिए। रेस्ट मास एनर्जी होती है आपकी एम नॉट सी स्क्वायर, राइट। ये दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे इट विथ वाट वेलोसिटी शुड मूव द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। यहाँ पे क्या करना है आपको, एम इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करें, एम सी स्क्वायर इक्वल टू इसको इधर विद हो जाएगा टू एम नॉट सी स्क्वायर, राइट। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एम इक्वल टू एम नॉट आ गया, इसकी वैल्यू रखिए एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू टू एम नॉट, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो यह आएगा वन अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू फोर। दिस इम्प्लाइज डेट वन बाई फोर इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डेट बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वन बाई फोर डेट मीन थ्री बाई फोर। दिस इम्प्लाइज डेट बी इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू इंटू सी। जो ऑप्शन ए है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को आप टिक कर लें। ओके, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ सिंगल स्लिट इज रिप्लेस्ड बाय डबल स्लिट अरेंजमेंट द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज इंक्रीज बाय। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। तो जो अगर यहाँ पे डबल स्लिट से आप रिप्लेस करते हो जिसकी इंटेंसिटी हो जाएगी वो टू टू पावर टू मतलब फोर टाइम्स क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, वैसे इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो एंगुलर विड्थ होता है इसमें वो होता है टू टी लैम्डा बाई डी, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो फोर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ द पीक वैल्यू ऑफ ए रेक्टिफाइड वोल्टेज फ्रॉम नल वेव रेक्टिफायर इज 15 वोल्ट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एवरेज रेक्टिफाइड वोल्टेज विल बी, ठीक है। ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिए। इसका मैं फॉर्मूला बताया हूँ या नहीं बताया हूँ तो याद रख के लिए। तो यहाँ पे जो रेक्टिफाइड एवरेज रेक्टिफाइड वोल्टेज होगा वो कितना होगा, टू मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज अपॉन पाई, ठीक है। इतना ही होगा, तो कितना दिया हुआ है 15 वोल्ट दिया हुआ है, तो 2 इंटू 15 अपॉन 3.14 मतलब 30 अपॉन 3.14, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 9.50। सी जो हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। फाइनली आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉब्लम 1 से प्रॉब्लम 30 तक मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी ऑफ वान डर वाल गैस, देखिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वान डर वाल गैस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो भी आप देख लें, वो आता है यू इक्वल टू 3/2 एन के टी माइनस ए एन स्क्वायर बाई बी। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b हो रहा है, ठीक है। अगर b को आप डिक्रीज करेंगे तो ये भी जान लीजिए कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। सो गाइज, मैंने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर देने का ट्राई किया। अगर आपको कोई भी आंसर गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे सकते हैं। आप इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिए कि जो भी आंसर आपको गलत लगे आप मुझे ज़रूर बताएं। इवन दो चैनल हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और जो भी आप नेटिव स्टूडेंट है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और जो भी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आने वाली है मैं अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।